अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है 18.5 हाफ लाइफ एंड इट मेजरमेंट। जी तो एक्चुअली हाफ लाइफ क्या चीज़ है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, तो जो हाफ लाइफ है उसका ताल्लुक है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के साथ है। मीन जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होंगे, तो जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं कि उसके जो न्यूक्लियाई हैं वो अनस्टेबल हैं, इसीलिए तो वो रेडियोएक्टिव है। तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं वो क्या चाहते हैं कि वो स्टेबल न्यूक्लियाई बन जाएं। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, स्टेबल न्यूक्लियाई बनने के लिए वो क्या करते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई रेडिएशंस को एमिट करते हैं। तो जब रेडिएशंस को वो अपने अंदर से एमिट करते हैं, रेडिएशंस को निकालते हैं ताकि वो स्टेबल बन सकें, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियर डिके हो रही है। मतलब जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियाई है वो डिके हो रहा है या डिके प्रोसेस है। तो रेडिएशंस के एमिट करने को हम न्यूक्लियर डिके या डिके प्रोसेस का नाम देते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई हैं वो बहुत ज़्यादा हों तो इसका मतलब क्या है कि लार्ज डिके रेट है, कि जो न्यूक्लियाई डिके होंगे वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। जाहिर बात है जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो ज़्यादा हैं, जो अनस्टेबल हैं, तो ज़्यादा न्यूक्लियाई हैं अनस्टेबल, वो चाहते हैं कि हम जल्दी से ज़्यादा स्टेबल हो जाएं। तो मीन्स क्या है कि लार्ज डिके रेट होगा। दूसरा, अगर लार्ज न्यूक्लियाई हैं तो उनको रिक्वायर टाइम टू डिके, तो उनको कुछ टाइम भी लगेगा डिके होने के लिए। तो अगर हाफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, अगर ये जो सपोज मैं कहूँ कि अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई हैं वो स्टार्ट पे 100 हैं, तो 100 में से अगर हाफ न्यूक्लियाई हो जाएं, हाफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिके हो जाएं, तो हाफ न्यूक्लियाई को डिके होने में, डिके का मतलब क्या है, स्टेबल होने में, अनस्टेबल से स्टेबल बनने में अगर हाफ को जो टाइम लगेगा, देखें अनस्टेबल 100 हैं तो हाफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या हो जाएं, डिके हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, तो इस प्रोसेस को होने में कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे हमने कहा रिक्वायर टाइम टू डिके, तो वो जो टाइम लगेगा हाफ न्यूक्लियाई को अनस्टेबल से स्टेबल बनने में, दिस टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ। दोबारा फिर सुन लें, 100 अनस्टेबल हैं, उनमें से हाफ जो है, 50 जो है वो डिके हो जाते हैं, मतलब स्टेबल अनस्टेबल से स्टेबल बन जाते हैं, तो इस प्रोसेस को होने में कुछ टाइम लगेगा, दिस टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ। द प्रोसेस ऑफ रेडियोएक्टिविटी इज रैंडम एंड द रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, ये देखें, डिके इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई प्रेजेंट। जितने नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई ज़्यादा होंगे उतना डिके रेट भी ज़्यादा होगा, तो मतलब डिके रेट प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई के। इन द प्रोसेस अ सर्टन कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, तो जो अगर लार्ज नंबर हो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का जो अनस्टेबल हैं, तो उनको डिके होने में इन अ सर्टन टाइम, तो उनको कुछ टाइम लगेगा डिके होने में। जी, सो नाउ डिफाइन व्हाट इज हाफ लाइफ। द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या है, डिके हो जाना। तो हाफ टाइम, वो जो टाइम होगा, दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द सैम्पल ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट, तो वो उस रेडियोएक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ होगा, जिसमें आधे अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिके हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रेडियम 26 की बात करें तो उसकी जो हाफ लाइफ है वो 1620 ईयर्स है। ये एमसीक्यूज भी है कि रेडियम का हाफ लाइफ कितना है, 1620 साल। जिस तरह हमने अल्फा डिके में पढ़ा था कि जो रेडियम है वो डिके के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब रेडिएशन को इमिट करता है वो रेडियम से रेडॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये अगर हम बात करें रेडियम की, तो क्या होगा, 1620 साल के बाद जो रेडियम है उसका हाफ ऑफ द रेडियम जो है, आधा हिस्सा, क्योंकि हाफ लाइफ कितना है उसका, 1620 साल, तो 1620 सालों के बाद रेडियम का आधा हिस्सा जो है, हाफ पार्ट जो है, कन्वर्टेड इनटू अनदर एलिमेंट, किसी और में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन रेडियम से वो क्या बन जाएगा, रेडॉन बन जाएगा। कितने सालों बाद, 1620 सालों बाद। जी स्टूडेंट्स, तो मैं सपोज कहता हूँ कि रेडियम जो है उसने रेडॉन में कन्वर्ट होना है, उसके ओरिजिनल जो न्यूक्लियाई हैं स्टार्ट पे 100 थे, तो 1620 साल के बाद कितने रह जाएंगे, हाफ, क्योंकि ये हाफ लाइफ है, तो 100 के आधे कितने रह जाएंगे, 50, एक हाफ लाइफ हो गई, तो 1/2, क्योंकि हाफ हो गया 1/2। इसी तरह अगले जब 1620 साल गुजरे, जब सेकंड हाफ लाइफ स्टार्ट हो गई, तो जब सेकंड हाफ लाइफ होगा तो 50 का आधा रह जाएगा। 50 का कितना आधा होगा, 25,
मीन्स 1/2 1/2, क्योंकि दो हाफ लाइफ हो गई है ना, 1/2 1/2, तो क्या रह जाएगा 1/4। इसी तरह जब अगले 1620 साल गुजरेंगे थर्ड हाफ लाइफ में 25 का हाफ रह जाएगा, तो 12.5, तो कितनी हाफ लाइफ हो गई है, 3 है, तो 1/2 1/2 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/8। तो 1/8 पार्ट किसका रह गया है, 100 का जी। इसी तरह जब 4 टाइम्स चौथी दफ़ा हाफ लाइफ होगी, 1620 साल गुजरेंगे, तो 12.5 का हाफ होगा तो 6.25, तो हम क्या करेंगे 1/4 2 को पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि चौथी हाफ लाइफ है, तो 1/16 पार्ट रह जाएगा किसका, मतलब ये जो 6.25 है ये 1/6 पार्ट है 100 का। ये तो देखें स्टार्ट पे ये ग्राफ उन्होंने बनाया हुआ है, स्टार्ट पे n जो है वो न्यूक्लियाई थे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स n थे, 1/2 n जब हुए तो एक हाफ लाइफ, जब 1/4 हुआ तो सेकंड हाफ लाइफ, मतलब 1620 प्लस 1620, क्योंकि 2 है ना, तो 3240 साल जब गुजरेंगे तो हाफ रह, मतलब 1/4 रह जाएगा। 1/8 का मतलब क्या है, थर्ड हाफ लाइफ, तो 4860 ईयर्स गुजर जाएंगे, तो 1/8 n रह जाएगा। मीन के 4860 ईयर्स के बाद 1/8 रह जाएगा, 1/8 का मतलब होगा 12.5 जी। तो हाफ लाइफ को टी 1/2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, टी का मतलब टाइम, 1/2 हाफ टाइम। ये तो देखें फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 1/2, जब सेकंड हाफ लाइफ होगी 2 लिखा हुआ है तो 1/4 रह जाएगा, मतलब 1/2 का स्क्वेयर, होल स्क्वेयर कर सकते हैं। थर्ड हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, 1/2 1/2 1/2, मतलब 1/2 का क्यूब, तो 1/8 रह जाएगा। ये तो जनरल जो फार्मूला बनेगा 1/2 × t, टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। अगर दो हाफ लाइफ गुजरेंगे तो यहाँ पे टी 2 आएगा, अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 हो गई है तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा टी की जगह पे। अगर आपने चेक करना है कि रिमेनिंग एटम्स कितने बचे हैं, तो आप क्या करेंगे, एन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रिमेनिंग एटम्स को, तो एन नॉट ओरिजिनल एटम था, जिस तरह हमने कहा कि 100 हमने स्टार्ट पे लिए थे रेडियम के, तो एन नॉट 100 थे, मल्टीप्लाई बाय 1/2 t। तो ये एक जनरल फार्मूला है जिसकी हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं कि रिमेनिंग एटम्स कितने मौजूद होंगे जी। मिसाल के तौर पर जो रेडियम है उसके एन नॉट ओरिजिनल जो एटम्स हैं वो 100 हैं, तो टाइम जो है वो दो दफ़ा 1620 साल गुजर चुके हैं, तो मतलब कितनी हाफ लाइफ हो गई है, टू हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। तो हमारे पास, हमने फाइंड करना है कि 1632 सालों के बाद, टू हाफ लाइफ्स के बाद जो रेडियम है उसके कितने एटम्स बच जाएंगे, इतने सालों के बाद कितने एटम्स रेडियम के बचेंगे, 100 में से कितने रह जाएंगे, तो n रिमेनिंग नंबर्स है। तो हमारे पास फॉर्मूला है n नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/2 t, टी यहाँ पे देखिए n नॉट 100 आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/2 t, कितने हैं, दो हाफ लाइफ गुजरी हैं, तो पावर 2 लिखेंगे जी। तो 1/2 का मतलब 1/4, तो 100 मल्टीप्लाई 1/4, तो 25। तो इतने सालों के बाद, टू हाफ लाइफ के बाद, इसके जो एटम्स रिमेनिंग बचेंगे वो सिर्फ 25 एटम्स रह जाएंगे। ये तो जो रेडियक्टिविटी है वो केमिकल कम्बिनेशन और रिएक्शंस पे डिपेंड नहीं करती कि जो एलिमेंट है उसकी केमिकल कंपोजिशन किस तरह की है। इसी तरह जो फिजिकल कंडीशंस हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से हाफ लाइफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेडियक्टिविटी के ऊपर कोई चेंज नहीं आता, सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल कंडीशंस। जी स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को हाफ लाइफ का समझ लगी होगी। ओके जी प्यारे बच्चों, अल्लाह।